इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि दुनिया का कोई भी काम कभी भी रुकता नहीं है, चाहे हम हो हम ना हो। लेकिन मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है, अनादि के संस्कार है, वो ये मान के चलता है कि मैं ही करता हूं, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। यही कर्तापन मनुष्य को छोटा कर देता है। अगर आपके मन में भाव आता है कि मैं ही हर काम को करने वाला हूं, मैं ही घर चलाने वाला हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो दुकान नहीं चलेगी, और मैं नहीं होऊंगा तो व्यापार नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो भगवान की पूजन अभिषेक कौन करेगा। ये हमारा कर्तत्व है। जबकि कर्ता से कुछ होता नहीं है, वो तो जो होता है सो होता है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि आप किसी का सहयोग करें या ना करें, दुनिया का कोई भी काम कभी नहीं रुकता है। आप किसी को विघ्न दें ना दें, दुनिया का कोई भी काम कभी नहीं रुकता है। कोरोना ने सबको बता दिया कुछ अर्जेंट नहीं है। पहले आप व्यक्ति से कहते थे भैया अर्जेंट है काम, आ जाओ घर, और वो आ जाए कोरोना में तो आप कहते भैया जाओ बाहर से ही। दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता। हमें लगता है कि हम करते हैं, हम करने वाले कोई नहीं होते। ये कर्तापन ना करें, अपन कर्तव्य करें। जब जब कर्तत्व अंदर आता है, अपन छोटे हो जाते हैं कि मैंने किया कि मैंने किया, किसी ने नहीं किया। वृक्ष ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने फल दिए, नदी ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने शीतल पानी दिया, वायु ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने शीतलता दी, सूर्य ने कभी नहीं कहा कि मैंने प्रकाश दिया। बस एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, वो कर्तापन अपने ऊपर लेके चलता है और उस कर्तापन का भार उसको नीचे ले जाता है कि मैं नहीं होता तो चातुर्मास कौन कराता, मैं नहीं होता तो आज शांति धारा कौन कराता। कोई काम किसी का कभी नहीं रुकता है। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है, ये आपकी गलत फहमी है कि सब आप ही करते हैं, आप सबके करते हैं। गलत फहमी है, परमात्मा भी किसी के कोई करता नहीं है। अगर भगवान करते किसी का बुरा नहीं करते। आप देखो किसी के काम रुकते हैं, किसी के काम हो जाते हैं। परमात्मा ने किया क्या? परमात्मा ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो हमारे कर्मों ने किया है, कर्मों ने भी कुछ नहीं किया, जो हमारी करतूती है उसने किया है। क्यों ना अपन उस पर ध्यान दें। जब अपन किसी का अच्छा करते हैं तो अपने साथ अच्छा होता है, अपन बुरा करते हैं तो बुरा होता है, तो क्यों ना अच्छा करें। गिविंग प्रॉब्लम्स गिव प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग पीपल हेल्प्स यू। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा होगा। अगर आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। गिविंग सपोर्ट गिव्स यू सपोर्ट। नियम है, आपने बीज के लिए खाद पानी जलवायु की व्यवस्था की, उसकी रक्षा की व्यवस्था की है, वही आपको फल देगा, वही वृक्ष फल देगा, वही वृक्ष छाया देगा, वही वृक्ष शीतलता देगा, ऑक्सीजन देगा। दोगे तो मिलेगा और नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपन अच्छा दें, अच्छा सोचें। यद्यपि आपके सोचने से भी कुछ नहीं हो रहा है, किसी का अच्छा बुरा नहीं हो रहा। रावण ने कितना सोचा कि रामस्य मृत्यु भवतु, रावण ने सोचा कि रामस्य मृत्युम भवतु, कि राम की मृत्यु हो जाए। हुई क्या? हुई क्या? राम की तो जीत हो गई। कंस ने भी यही सोचा था
कि कृष्ण की मृत्यु हो जाए, हुई क्या? मतलब जो जब होना है सो होगा, आप सोचते रहोगे, जब जब जो जो होना है तब सब सो होता है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है। बहुत सारे लोग अपने अंदर कर्तव्य तो मान के चलते हैं कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा तो पंचगणक नहीं होगा। मैंने कहा कागज में लिख करके कि तुमको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, बाकी किसी को बना लेंगे। ये आपका कर्तापन है, ये आपको नीचे ले जा रहा है, डुबा रहा है। कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहता है। आप सिर्फ बुरा सोच सकते हैं, मगर किसी का बुरा करने की ताकत आपके अंदर नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप थिंकर तो बन सकते, क्रिएटर नहीं बन सकते। आप किसी के बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हैं, अच्छा बुरा करने की ताकत आपकी नहीं है, वो तो उसके कर्म से होगा। और अच्छा बुरा करने की ताकत किसी की है तो उसका नाम है कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अगर पाप कर्म का उदय है, चाह कर भी आप किसी का अच्छा नहीं कर पाओगे। नारकियों के नरक में, नारकियों के पाप कर्म का उदय रहता है, बेचारे एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच भी लें अगर धोखे से, अच्छा कर नहीं पाते। वो सोचते हैं कि इसको लग गया है, अपन उठाएं, और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथ तलवार बन जाते हैं, दो टुकड़े थे चार टुकड़े हो जाते हैं। सारा खेल कर्म का है। बुरा होगा जो भी किसी का भी, उसके पाप से होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। लेकिन आपका बुरा सोचने से आपका बुरा जरूर होगा। इसलिए ध्यान दें, अपने पाप और पुण्य पर ध्यान दें। अपने निमित्त से कभी किसी का बुरा ना हो, अपने निमित्त से कभी किसी के दिल में चोट ना पहुंच जाए। ये पाप के कारण क्या है? जो आप दूसरे की निंदा करते हो, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो, अपवाद करते हो, ये सारे कारण पाप के हैं। जब आप किसी ईर्ष्या करते हो, उसको दुख देने का प्रयास करते हो, ये सब पाप बन करके लौट के आता है। राम की सीता ऐसी थोड़ी ना हरी गई थी, उन्होंने भी तो कभी किसी की सीता हरी होगी, उन्होंने भी तो कभी किसी को जुदा किया होगा तो उनको वियोग सहना पड़ा, और वो व्यक्ति ने लाख प्रयास किया होगा फिर भी उसको पा नहीं पाया। अभी रास्ते में हम लोग जंगल से लौट रहे थे आज, एक घर के बाहर ठंडी में उस जाली वाले कमरे में खुद दो कुत्ते बंधे थे। बेचारा सुबह से भौंक रहा था वो कि मुझे बाहर निकाल लो, तुमने बंधन दिया है बंधन मिलेगा। ये जो आप लोग पार्टीज करते हो ना, उसमें गुब्बारे लगाते हो, उन गुब्बारों में आप हवा भर के रखते हो, वो आपने वायु का एक जीवों को बंधन में रखा है, तुमको बंधन नाम कर्म का बंध होगा। जो जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, तो क्यों ना अपन अच्छा दें। किसी का असहयोग करोगे तो आपको भी असहयोग मिलेगा, और किसी ने आप पर विश्वास किया है, आपने उसको धोखा दिया है, तो तुमको भी धोखा मिलेगा, और छोटा मोटा नहीं मिलेगा। कर्म की चक्की बहुत धीमा पीसती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है, चक्रवर्ती के ब्याज की तरह वापस लौटाती है। 22 घड़ी तक भगवान को अंजना सती ने कुएं में रखा था, 22 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। क्यों ना अपन दूसरों को अच्छा करें। अगर किसी का कोई काम रुका है उसका सपोर्ट कर दो, किसी को कहीं जाना है आप गाड़ी में बिठा के छोड़ दो। लेकिन क्या करें, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि जो हमारे काम का है वो हम करेंगे, जिसमें दूसरे का काम बिगड़े वो हम करेंगे। क्या बोलते उसको, टांग फंसाने वाला। लेकिन देख, कहावत है कि जो किसी के फटे में टांग अड़ाए सो उसका ही फटता है, जो किसी को पैर अड़ाए तो वो गिरता है, कब्र खोदने वाला पहले कब्र में उतरता है। क्यों ना अपन अपने जीवन में इसको उतारें कि किसी को दुख ना दें, किसी को सपोर्ट दें। गिविंग सपोर्ट गिव्स यू सपोर्ट। आप मदद करेंगे आपको मदद मिलेगी, आप दुख देंगे आपको दुख मिलेगा। सोचने से कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो तो जब जो होना है तब होके रहेगा। ऐसा चिंतन करें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।
नीति क्लास।